कोयले जैसे दांतों पे लगा लो और मोती की तरह चमका लो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए YouTube वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाली है उन हमारे दोस्तों के लिए जिनके दांत बिल्कुल पीले पड़ गए हैं, या फिर उनके दांत में कीड़े हो गए हैं, या फिर उनका दांत काला हो गया है। दोस्तों, दांत के पीले होने का मुख्य वजह यह होता है कि लोग गुटखा खाने लगते हैं, पान खाने लगते हैं, ज़्यादा चाय कॉफ़ी और गलत तरीके के खान पान की वजह से लोगों का दांत पीला होने लगता है। और दोस्तों, वो जैसे अपने शरीर का और अपने खूबसूरती का ख्याल रखते हैं, वैसे अपने दांतों का ख्याल नहीं रख पाते हैं। तो दोस्तों, उन हमारे दोस्तों के लिए ये रेमेडी बिल्कुल रामबाण साबित होगी। दोस्तों, अगर आप अपने गंदे पीले दांतों से बिल्कुल परेशान हो चुके हैं तो दोस्तों आप इस वीडियो को मात्र एक बार शुरू से लेकर आखिर तक देख लें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस रेमेडी का सही इस्तेमाल करते हैं तो मेरा दावा है कि इससे आपके दांत बिल्कुल मोती की तरह चमकने लगेंगे और बिल्कुल सुंदर हो जाएंगे और आप भी कहीं समाज में हंस सकेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और आए हुए घंटी को भी दबा दें ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो है दोस्तों इलेक्ट्रॉल यानी कि ORS का घोल। जी हाँ दोस्तों, इसमें ओरल डिहाइड्रेशन साल्ट होता है जिससे कि आपके दांतों पर जमा हुए कचड़े बिल्कुल साफ हो जाते हैं। और दोस्तों, इसमें सोडियम पोटेशियम क्लोराइड होता है। जी हाँ दोस्तों, क्लोराइड की वजह से आपके दांतों पर जितने भी पुराने कचड़े हैं वो बिल्कुल साफ हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको इसमें एक चम्मच की मात्रा में इलेक्ट्रॉल ले लेना है। फ्रेंड्स, इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे सिट्रिक एसिड का खजाना नींबू। जी हाँ दोस्तों, आपको आधा कटा नींबू लेना है और इसमें पूरी तरह निचोड़ देना है। दोस्तों, इसमें मौजूद सिट्रिक एसिड आपके मसूड़ों और दांतों पर जमा हुए कचड़े को बिल्कुल साफ कर देता है। और दोस्तों, एक बार के इस्तेमाल से ही आपके दांत बिल्कुल मोती की तरह चमकने लगते हैं। और दोस्तों, नींबू को निचोड़ लेने के बाद आपको इस रेमेडी में लेनी है थोड़ी सी मात्रा में हल्दी। जी हाँ दोस्तों, आपको चिटकी भर हल्दी लेनी है। इतनी मात्रा में आप हल्दी ले लें क्योंकि दोस्तों हल्दी से आपके गंदे पीले दांत मोती की तरह चमकाए जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आपके दांतों पर जमा हुए कीटाणु और गंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। तो दोस्तों, जब आप इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला देंगे तो ये कुछ इस तरह का हो जाता है। चलिए अब जान लेते हैं कि इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है और कब करना है। दोस्तों, आप जैसे मॉर्निंग में ब्रश करने जाते हैं वैसे ही दोस्तों ब्रश ले लें, और दोस्तों ब्रश पर इसे ले लें, और दोस्तों इसे लेकर अपने दांतों की सफाई करें। जी हाँ दोस्तों, आप इसका अपने दांतों पर और अपने मसूड़ों पर अच्छी से सफाई करें। दोस्तों, आपको सॉफ्ट ब्रश लेना है जिससे कि आपके मसूड़े रगड़े ना जाए। तो दोस्तों, इसके मात्र 3 बार के इस्तेमाल से आपके दांत बिल्कुल मोती की तरह चमकने लगेंगे, बिल्कुल सुंदर हो जाएंगे और आपकी पर्सनैलिटी को और भी ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी, और अपने दोस्तों यारों में भी शेयर करें।